नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। मंसूचक में किसानों के बीच खाद नहीं मिलने से जहां किसान काफी परेशान हैं, वहीं अधिकारियों द्वारा तय मूल्य 270 रुपये के बदले फाटक चौक पर 300 रुपये बोरी बेचा जा रहा है। उक्त जानकारी गोविंदपुर एक पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सह भाकपा के सहायक अंचल मंत्री राम नरेश महतो ने आरोप लगाते हुए कहा कि फाटक चौक पर अमरेंद्र कुमार खाद दुकानदार द्वारा किसानों से 300 रुपया प्रति बोरा लिया गया, जिसका मैं अपनी पार्टी की ओर से घोर निंदा करता हूं। मंसूचक से अमित कुमार की रिपोर्ट। क्या मामला था? मामला ये है, जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी कहते हैं हम 270 रुपया में खाद बेच पाते हैं, जबकि आज भी मंसूरचक फाटक चौक पर अमरेंद्र कुमार के यहाँ 300 में लोगों को खाद मिला है। महेश कुमार झा, शिवम कुमार झा, गंगा प्रसाद महतो जैसे सैकड़ों किसानों को 300 रुपये में दिया गया है, जबकि कृषि भवन समसा के यहाँ आज भी बड़े पैमाने पर किसानों को 270 रुपया में दिया गया है। जहाँ से मोटी रकम मिलती है उन दुकानदारों को छूट दी जाती है किसानों को लूटने के लिए। ये घोर अन्याय है, किसानों के साथ लूट मचवाने का काम प्रखंड कृषि पदाधिकारी और उनका समन्वयक और उनके लोग करते हैं, जो किस ये खेद की बात है। समान रूप से खाद बटना चाहिए और किसान को उपलब्ध कराने में ये लोग आनाकानी करते हैं। ये खाद उन्हीं जो मोटी रकम देता है उनके यहाँ खाद की आपूर्ति की जाती है, और आज भी किसान इतने खाद बटने के बाद भी किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिला है, और किसान अपने फसल को देखकर मायूस हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 8-8, 10-10 दिन पानी पटाए हुए हो गए हैं आलू मकई और गेहूं में, और किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है। किसान यूरिया के लिए दर दर भटक रहे हैं, जबकि कल लोगों ने प्रदर्शन किया और उसमें भी मुख्य मांग यूरिया ही था, लेकिन उसकी बीओ ने आश्वासन दिए हम इसको मान कर यूरिया 300 बैग मंगवा के बंटवाने का काम करेंगे, जो भी नदारद है। आपका नाम? राम नरेश महतो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहायक अंचल मंत्री।